The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. Sir, ye jo kaha gaya desh ki abhi ki examination system rubbish hai. Sir, isse durbhagyajanak bayan desh ki neta pratipaksha ka kuch nahi ho sakta hai. Sir, main kothor shabd se usko ninda karta hu. Baki raha main sir aapke samne aapke madhyam se desh ke samne सर एक आपके एक तथ्य रखता हूं सर जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे उसमें से एक बिल था एजुकेशन उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010 जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना सर मेरे सरकार की हिम्मत है अभी अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए कानून बनाए क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की उन्होंने उस बिल को उठा किया किसके दबाव में उठा किए क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में उनकी उनकी घुसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उठा किया था सच सुनने की सामने है जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।